हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पेट पूजा विद पूजा। आज ना मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ना पनीर दो प्याज़ा की रेसिपीज बताने वाली हूँ, जो कि आप घर पे आराम से बना सकते हैं, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल। सो लेट्स गो। सबसे पहले बॉईल करेंगे हम हमारे टमाटर और प्याज को। टमाटर पे ना आप ऐसे एक क्रॉस का निशान बना के डाल दोगे ना, तो वो इजीली ना पील आउट हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और प्याज को ऐसा हाफ हाफ कट कर लेना, और इनको ज़्यादा देर आपको बॉईल नहीं करना है। मैक्सिमम 5 to 7 minutes आपको इनको बॉईल करना है, और उसके बाद आप उन्हें निकाल लीजिएगा। जब टमाटर थोड़े ठंडे हो जाएं, तो उनके ऊपर से ऐसे करके आप छिलका हटा देना। उसके बाद ना चाकू की हेल्प से इसको थोड़ा सा ना मैश कर लेना। जब आप टमाटर को पीसोगे तो उसमें पानी मत डालना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी था, ठीक है। और प्याज को ऐसे अलग अलग कर लेना, ठीक है। यहाँ हम कर रहे हैं हमारे पनीर को फ्राई, ठीक है। और ये ढक्कन मैंने इसलिए लिया ताकि तेल के सारे छींटे डायरेक्ट मुझ पे ना आए। यहाँ पे पनीर बिल्कुल एकदम क्रिस्पी सा हो गया, फ्राई हो गया है। इसके बाद इस पनीर को निकाल लेंगे। अब हम डाल रहे हैं कढ़ाई में दोबारा तेल, और जब तक तेल गर्म हो रहा है, हम हमारे खड़े मसाले तैयार कर लेते हैं, जो कि है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जीरा, 6 से 7 दाने काली मिर्च के, और लाल मिर्च। इन सबको आपको एक अच्छे से ना मतलब पका लेना है, बिल्कुल यम तरीके से, जब आपको इनकी महक पूरे घर में अच्छे लगने लगे। उसके बाद डालना है आपको इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, क्योंकि पनीर दो प्याजा है तो दो तरीके से प्याज जाता है इसमें, एक बारीक कटा हुआ और एक बॉइल्ड हुआ हुआ। इसके बाद आप डाल दीजिए इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने होममेड बनाया है, मैं मार्केट वाला यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपका प्याज और लहसुन अच्छे से पक जाए, उसके बाद डाल दीजिए आप इसमें टमाटर और उसको पका लीजिए। फिर जाएंगे हमारे सारे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। उसके बाद इसको अच्छे से पकने देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा और तेल छोड़ने लग जाए, तब आप इसमें डालिए 2 हरी मिर्च कटी हुई हाफ में, और जब वो पक जाए तो उसमें डाल दीजिए ये प्याज। देख रहे हो क्या मस्त ग्रेवी बनी। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि अगर आपका मसाला चिपक रहा है, तो आप उसमें थोड़ा सा ना पानी डाल दीजिएगा। उससे ना क्या होगा, वो मसाला कढ़ाई में चिपकेगा नहीं या बर्तन में नहीं चिपकेगा। उसके बाद पनीर डाल के अपना और धनिया डाल के मस्त सर्व कीजिए और सबको खिलाइए, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए पेट पूजा को, नीचे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने सब फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पेट पूजा।